सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल इस्टेट में। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं अपने ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए। और इस वीडियो में आज हमने फिर से एक ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल सेक्टर कवर किया है। और आज हम जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करने वाले हैं वो सेक्टर है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल प्लॉट इकोटेक वन एक्सटेंशन। तो आज हम बेसिकली इकोटेक वन एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका जो मिनिमम साइज है प्लॉट का वो 1000 स्क्वायर मीटर का है। तो 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर, 4000 और 10000 स्क्वायर मीटर तक, प्लस इससे भी मैक्सिमम और साइजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्टली हम चलते हैं मास्टर प्लान पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली सेक्टर कहाँ पे लोकेट है मास्टर प्लान में। तो जैसे कि हम मास्टर प्लान देखते हैं, तो मास्टर प्लान में आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं आपका इकोटेक एक्सटेंशन वन की। तो इकोटेक एक्सटेंशन, इकोटेक वन का जो एक्सटेंशन है आपका, इकोटेक वन का एक्सटेंशन आपका यहाँ पे आ रहा है। ये लोकेशन है इसकी, ये वाली लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कासना मार्केट से जस्ट लगा हुआ है आपका, जैसे कि आप देख रहे हो। और दूसरे साइड आप देखोगे तो सिग्मा से आपके लगा हुआ है, सिग्मा सेक्टर आप रेजिडेंशियल का देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका सेक्टर है वो लोकेशन, अगर आप इसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो परी चौक से जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका होने वाला है 5 किलोमीटर का। परी चौक मेट्रो स्टेशन का यहाँ से जो डिस्टेंस होने वाला है वो 5 किलोमीटर का है। तो अब लेआउट में चलते हैं और लेआउट देखते हैं कि लेआउट में क्या क्या इसमें फैसिलिटीज आ रही है। तो ये हमारा इकोटेक वन का एक्सटेंशन का पूरा लेआउट है। लेआउट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी देखेंगे। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इस साइड से आप नोएडा से आ रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद से, नोएडा गाजियाबाद से आप आ रहे हो। और इधर साइड जो आप आ रहे हैं, इधर साइड की हम बात करें तो आप आ रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। इस साइड आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की साइड आ रहे हैं। इधर आप परी चौक साइड जाओगे, ये लोकेशन आपकी परी चौक की लगेगी। इधर आप परी चौक की साइड जाएंगे और हम यहाँ की बात करें अगर इस वाले लोकेशन की, तो यहाँ पे आपको कासना मार्केट देखने को पूरी मिलेगी। इस साइड में आपका कासना मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एशियन पेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेगा इस लोकेशन पे। और हम यहाँ पे की बात करें इस वाले पूरी लोकेशन की, तो यहाँ पे अनदर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने को मिलेगा जिसे हम इकोटेक 6 के नाम से जानते हैं। और इस वाली लोकेशन पे आपको पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन एक तरीके से कह सकते हैं वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। ये लोकेशन होने वाली है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेटर नोएडा तहसील या सदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस लोकेशन पे, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। बाकी एक साइड आप इसके देख रहे हो, ये 130 मीटर रोड से लगा हुआ है पूरा, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो। दूसरे साइड अगर हम इसके ऊपर साइड की बात करेंगे तो एक साइड में आपको सिग्मा 4 इधर तरफ देखने को मिलेगा इसके साइड में। दूसरे साइड की बात करेंगे तो सिग्मा 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम अगर इसमें आपको एक जो ग्रेटर नोएडा का बस डिपो है वो बिल्कुल जस्ट एडजॉइनिंग में देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे है।
यहाँ पे इसका आपको बस डिपोट देखने को मिल जाएगा, तो ये लोकेशन होने वाली है इसकी। उसके बाद जो इसमें हम बात करते हैं अगर साइजेस की, तो ये वाला जो साइज आप देख रहे हो मेनली इसमें आपको 1500 स्क्वायर मीटर के ही प्लॉट साइज देखने को मिलेंगे। ये वाला आपका 4000 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद फिर आपकी अलग अलग साइज है, यहाँ पे आपको 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और बड़े साइज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये आपका 2000 स्क्वायर मीटर के आसपास का साइज है। तो बेसिकली इस तरीके से फिर ये 4000 स्क्वायर मीटर तक के साइजेस तो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। पर इसके बाद हम बात करें अगर इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े साइज के प्लॉट देखने को मिलेंगे ये सारे, और ये सारे आपके अलॉटेड प्लॉट हैं। उसके बाद ये आपके इसमें 80% आप बात करेंगे तो आपको रनिंग में चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्लॉट हैं और ये सारे आपके अलॉटेड हैं। और इसमें अब आपको अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज आपको 80% फंक्शनल मिलेगी आपको यहाँ पे। इसके अंदर हम अगर बात करें आपकी इंडस्ट्री की, तो मेनली जैसे आपकी हैवेल इंडिया की कंपनी हो गई, उसके बाद इसमें आपका ITC स्नैक्स की कंपनी हो गई, और भी मैनी मोर बहुत सारी कंपनीज हैं वो इसमें आपकी लगी हुई है इंडस्ट्रीज, वो आपको देख लिखेंगी आपको चलती हुई एक तरीके से। ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ है। बाकी इसमें आप यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी है ग्रेटर नोएडा की, वो आपको देखने को मिलेगी। इस साइड में पार्क देखने को मिलेगा। बाकी ग्रीन बेल्ट तो आप देख ही रहे हो। रोड साइज़ की हम बात करें तो 24 मीटर की रोड आपको इंटरनल पूरी देखने को मिलेगी। इंटरनल में सारी रोड इसमें 24 मीटर की है, यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज इसके प्लॉट हो रहे हैं तो ये 45 मीटर की रोड आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में। और ये वाली जो रोड है ये आपकी 60 मीटर की रोड है। बाकी पार्क का, ग्रीन बेल्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया, और क्योंकि कासना मार्केट इसके नियर में है तो कॉमर्शियल की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी एक्टिविटीज़ भी इजीली यहाँ पे लोग कर रहे हैं, किसी भी तरह की उसमें उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसका एक बार मार्केट रेट देखते हैं कि किस साइज़ में क्या रेट चल रहा है। तो मार्केट रेट की हम जैसे बात करें तो 1000 मीटर के साइज़ का जो फंक्शनल का रेट चल रहा है 30,000 से 40,000 रुपये पर मीटर का चल रहा है। उसके बाद हम 2000 मीटर की बात करेंगे तो 2000 मीटर में फंक्शनल का रेट आपका चल रहा है 30,000 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है। 4000 मीटर के फंक्शनल की बात करें तो 25,000 से 30,000 के बीच का रेट चल रहा है इसमें भी। और उसके बाद हम बात करें अगर 10,000 रुपये मीटर की, तो ये 10,000 मीटर के प्लॉट साइज़ के, तो ये 25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है इसमें। एंड 10,000 से प्लस जो भी साइज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 10,000 से प्लस भी साइजेस हैं, तो वो प्राइजेस का जो रेट है वो 20,000 रुपये प्लस में ही मान के चलिए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। अब इसके बाद हम जैसे आपको बताते हैं कि रेंटल वैल्यू, क्योंकि जैसे कि इसमें रेंटल वैल्यू मेन होती है कि क्या होने वाली है रेंटल वैल्यू, अगर कोई परचेस करते हैं तो क्या वो रेंट पे इंडस्ट्री चला सकते हैं, और रेंट पे चलाएंगे तो क्या वैल्यू इस टाइम पे है उसकी। तो रेंटल वैल्यू की बात करें तो 25 से 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेंटल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। बट ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप रेंटल पर्पस से भी परचेज करके रेंटल पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं तो 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे रेट चल रहा है। अगर हम इसके परचेजिंग की बात करें तो प्रोसेस ऑफ परचेज देख लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ परचेज जैसा कि आप देख रहे हो इसमें सर्कल रेट यहाँ का 14,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 5% की है आपकी ऑफ सर्कल रेट, तो सर्कल रेट से 5% की स्टैम्प ड्यूटी जाएगी इसमें। ट्रांसफ़र चार्ज यहाँ पे 5% का अलॉटमेंट रेट का है, तो ट्रांसफ़र चार्ज आपका वो होगा जो कि अलॉटमेंट रेट इस प्लॉट का रहा होगा, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही होगी उसका 5% का आपका अलॉटमेंट चार्ज जाएगा। बैंक लोन अवेलेबल है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको ईजिली यहाँ पे बैंक लोन देखने को मिल जाएगा, वो अवेलेबल है। और उसके बाद जैसा कि आपको मैंने पहले भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में बताया है, 2 टाइप्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक आपका इंडिविजुअल होता है यानी किसी पर्सन के नाम पे वो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, वो प्लॉट रजिस्टर्ड होगा।
अदरवाइज कोई कंपनी ट्रांसफर पे यहाँ पे प्लॉट होता है जिसमें मेन कंपनी के नाम पे वो प्लॉट लिया गया हो, तो ये तरीके की यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो आज हमने जो वीडियो देखी है हमने इसमें कवर किया है इकोटेक वन एक्सटेंशन को, तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज की इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है किसी की भी ग्रेटर नोएडा की, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर क्या है कि अभी थोड़ा सा एक तरीके से लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है इंडस्ट्रीज़ की तरफ, मार्केट की तरफ, बिजनेस पर्पस से लोग देख रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे क्या है बेसिकली कि लोग अपनी कंपनी तो स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो होता ये है अगर वो ग्रेटर नोएडा सिटी के लिए कंपनी अपनी कोई परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस एरिया के लिए, और अगर आप यमुना सिटी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस से तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे कॉन्टैक्ट करने का जो मीडियम है, फर्स्टली वो है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल इस्टेट का कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पे आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अदरवाइज अगर आप ऑन कॉल जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 9833442971 9667519002 एंड 9958548641। इन तीनों नंबर का यूज़ करके ऑन कॉल आप हमसे जुड़ सकते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। अगर आपकी या रेजिडेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इन सारे नंबर्स को यूज़ करके हम उसमें आपको पूरी सहायता करेंगे। अदरवाइज हमसे जुड़ने के लिए जो हमारे और भी मीडियम हैं, ये इंस्टाग्राम आईडी है, हमारी फेसबुक आईडी है और हमारा गुरुदेव रियल इस्टेट की वेबसाइट का URL एड्रेस कोड है, इन सारे मीडियम को भी यूज़ करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वहाँ पर आप हमसे ज़रूर पूछिए और सेफ इन्वेस्टमेंट करिए, सेफ साइट पर, चाहे वो आपका एंड यूज पर्पस हो, चाहे वो आपका आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, वो सेफ होनी चाहिए। तो आप वो खुद जज करेंगे कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है, हम तो आपको अवेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड लग रही है। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।